अखिलेश यादव जन्म 1 जुलाई 1973 एक भारतीय राजनीतिक है जो उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसमें पूर्व में लगातार 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के स्थापक मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश ने 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व किया। उनकी पार्टी को राज्य में संपर्क बहुमत मिलने के बाद 15 मार्च 2012 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। 2022 विधानसभा चुनाव में करहल सीट से मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री पो सत्यपाल सिंह बघेला को हराकर पहली बार विधायक बने और अजमगढ़ लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया। अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को इटावा जिले के सेफाई गांव में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के यहां हुआ। अखिलेश शाकाहारी है। इनका विवाह डिम्पल यादव के साथ 24 नवंबर 1999 को हुआ था। अखिलेश 3 बच्चों के पिता है। अखिलेश ने राजस्थान मिलिट्री स्कूल धौलपुर से शिक्षा प्राप्त की। अखिलेश ने मई 2009 को लोकसभा उपचुनाव में फिरोजाबाद सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी SPS वाघेला को 67,301 मतों से हराकर सफलता प्राप्त की। इसके अतिरिक्त के कन्नौज से भी जीते। बाद में उन्होंने फिरोजाबाद सीट से त्याग पत्र दे दिया और कन्नौज सीट पर अपने पक्ष रखी। मार्च 2012 के विधानसभा चुनाव में 224 सीट जीतकर मात्र 38 वर्ष की आयु में ही वे उत्तर प्रदेश के 33वें मुख्यमंत्री बन गए। जुलाई 2012 में जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने उनके कार्य की आलोचना करते हुए व्यापक सुधार का सुझाव दिया तो जनता में यह संदेश आ गया कि सरकार तो उनके पिता और दोनों चचा चल रहे हैं। उनकी सरकार को दूसरा झटका तब लगा जब IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित करने पर चारों ओर से उनकी आलोचना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें नागपाल को बहाल करना पड़ा। 2013 के मुक्तानगर दंगों में 43 व्यक्तियों को मारे जाने के व ताणु के घायल होने पर कर्फ्यू लगाना पड़ा था। सेना ने आकर स्थिति पर काबू किया। मुस्लिम व हिंदू के बीच हुआ इस भयंकर दंगे से उनकी सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से बनवाया, जो भारत का सबसे आधुनिक एक्सप्रेस वे है। यादव ने उप में UP 100 पुलिस सेवा और 108 एम्बुलेंस की फ्री सेवा शुरू की। उनके कार्यकाल में लखनऊ मेट्रो रेल, लखनऊ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जनेश्वर विश्व पार्क, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर लखनऊ, बल्लिया समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस 2 इनों कार्यकाल में पसंद युवाओं में को बड़ी मात्रा में लैपटॉप वितरण किए गए। 2022 को करहल विधानसभा से चुनाव लड़े, जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे और वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिष्ठित हुए।